वो निडर हैं, चालबाज हैं, फ्लेक्सिबल हैं और तेज तरार भी। हम बात कर रहे हैं आज के हमारे हीरो शेर की, जिसे पूरी दुनिया जंगल के राजा के नाम से भी जानती है, जो कि दिखने में जितना ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं, वक्त आने पे उतना ही ज्यादा खूंखार भी, जो कि अपनी बाहुबल के बदौलत पूरे जंगल को डोमिनेट करते हैं। और यही वजह है कि ये चालबाज शिकारी सदियों से जंगल में अपना दबदबा बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। शेर भले ही बिल्ली प्रजाति से संबंध रखते हैं, लेकिन बिल्ली जितना डरपोक नहीं होते। हालांकि शेर जितना ही सामाजिक होता है, वक्त आने पे उतना ही विनाशकारी भी। कहते हैं कि शेर से उलझना यानी मौत को बुलावा देना, और शायद यही वजह है कि दूसरे जंगली जानवर इनसे दूरी बनाए रखने में ही अपनी भलाई समझते हैं। और ये बात तो किसी से नहीं छुपी है कि शेर की एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता है, जो कि जंगल में अपनी मौजूदगी दर्शाने के लिए ऐसा किया करते हैं। आमतौर पर कुदरत ने इन्हें खूंखार जबड़े, ताकतवर पंजे और हवा जैसी रफ्तार से नवाजा है। आकार में 6 फीट तक बढ़ने वाली ये मैमल्स पूरी तरह से मांसाहारी होते हैं, जो कि प्रतिदिन 5 से लेकर 7 किलोग्राम तक का मांस आसानी से खा सकते हैं। अगर वहीं हम इनके वजन की बात करें तो इनका वजन भी करीब करीब 150 किलोग्राम से लेकर 250 किलोग्राम तक का हो सकता है। हालांकि ये इतना वजनी होने के बावजूद भी एक ही झपट्टे में शिकार को लहूलुहान कर देते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि शेर के झुंड में तकरीबन 90% शिकार शेरनियां ही करती हैं। वहीं जंगल का राजा कहे जाने वाली ये शेर एक दिन में करीब करीब 20 घंटे सोते हैं, जबकि शिकार को पहले खाने का अधिकार शेर का ही होता है। इन सब के बावजूद शेर एक कुशल शिकारी व सूझबूझ से काम लेने वाला जानवर माना जाता है। और यही वजह है कि शेर को जंगल के राजा की उपाधि मिली है। अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाली ये शिकारी हम इंसानों से 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। और यही वजह है कि ये तेज तरार शिकारी रात के वक्त भी शिकार को ठिकाने लगाने से पीछे नहीं हटते। तो चलिए अब चलते हैं कुछ दिलचस्प पेटल ऑफ की तरफ, जहाँ पे आप साफ तौर पे देख पाएंगे कि शेर कितने चालबाज, फ्लेक्सिबल और शक्तिशाली होते हैं, जो कि जिराफ तक का शिकार करने से पीछे नहीं हटते। और साथ ही साथ ये भी देखने को मिलेगा कि कैसे शेर हाथी तक को मौत के घाट उतार देते हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज की ये वीडियो काफी रोमांचक होने वाली है। लायन वर्सेस वार्थॉग। अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाली ये शिकारी फूड चेन के टॉप प्रेडेटर्स माने जाते हैं। वहीं पे वार्थॉग फूड चेन लिस्ट का हिस्सा माना जाता है, जबकि वार्थॉग पूरी तरह से कार्निवोरस होते हैं। इस वीडियो क्लिप में साफ तौर पे देखा जा सकता है ये एक शेरनी बड़े ही आराम से पेड़ के नीचे बैठकर पूरे फील्ड का जायजा लेते हुए अपने शिकार को ढूंढ रही है। और कुछ ही पलों में इसकी निगाह इस वार्थॉग पे पड़ जाता है, जिसके बाद ये शेरनी शिकार की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी ओर ये वार्थॉग इस खौफनाक मंजर को देखकर झाड़ियों के बीच छुप जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। और अंततः ये शेरनी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और बेहतरीन हंटिंग टैक्टिक्स को दिखाते हुए इस वार्थॉग पे हमला बोल देती है और उसकी गर्दन को बुरी तरह से दबोचकर उसे घसीटना शुरू कर देती है। ये वीडियो क्लिप साफ तौर पे बयां करती है कि शेरनियां भी शेर के मामले में कुछ कम नहीं होती, जो कि शिकार को चारों खाने चित करना बखूबी जानती हैं। हालांकि शिकार को गर्दन की तरफ से पकड़ना और उन्हें घुट घुट कर मरने के लिए मजबूर कर देना शेर की हंटिंग टैक्टिक्स में से एक है। अब जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए, यहाँ भी ये शेर अपने शिकार के रूप में वार्थॉग को ही चुना है। यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि एक वार्थॉग अपनी प्यास को बुझाने के लिए इस तालाब का रुख करता है। वहीं तालाब के किनारे बैठे ये शेर शिकार को अपनी तरफ आते हुए देख मन ही मन बड़ा खुश होते हैं, क्योंकि आज तो शिकार इनके पास खुद चल के आया है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि शेर एक कुशल शिकारी होते हैं, जो कि शिकार को अपनी होशियारी भरे हथकंडों में फंसाना बखूबी जानते हैं। और ये शेर यहाँ भी इसी हंटिंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। पहले तो एक शेर कुछ दूर जाकर शिकार पे घात लगाकर बैठ जाता है, वहीं दूसरा शेर इस वार्थॉग को दौड़ाते हुए पहले शेर की तरफ ले जाता है, फिर सामने बैठा दूसरा शेर इस वार्थॉग पे अटैक कर उसकी गर्दन को दबोच लेता है, और अंततः ये दोनों शेर मिलकर इस वार्थॉग को मौत के घाट उतार देते हैं। अब जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए, ये बात तो किसी से नहीं छुपी है कि शेर को छुप छुप कर शिकार करने में महारत हासिल है, जो कि ये ज्यादातर शिकार को इसी हंटिंग स्किल से पकड़ना पसंद करते हैं। अब यहाँ पे ही देख लीजिए ना कि कैसे ये शेर झाड़ियों के बीच छुप कर इस वार्थॉग पे अटैक करते हैं। लेकिन लगता है कि वार्थॉग पे आज किस्मत वाकई मेहरबान है, तभी तो ये वार्थॉग इस शेर के हमले से बच निकलता है। लायन वर्सेस एलिफेंट। ये बात तो जग जाहिर है कि हाथी का वजन व आकार शेर के वजन व आकार के मुकाबले 50 गुना ज्यादा होता है, जो कि देखने में ऐसा लगता है कि शेर हाथी को दूर से ही सलाम ठोकते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुबियां बताती हैं कि शेर अपने शिकार पे अटैक छल बल और अच्छी रणनीति के साथ करते हैं। इस वीडियो क्लिप में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि रात का वक्त है और एक हाथियों का समूह एक स्थान को छोड़कर
पकड़ दूसरे स्थान पे जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लॉयंस ग्रुप इनके शिकार के फिराक में लगे हुए हैं और अंततः ये चालबाज शिकारी कैसे भी करके एक एलिफेंट को ग्रुप से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं और फिर ये सारे शेर मिलकर इस एलिफेंट को दौड़ाते हुए अपने नुकीले व मजबूत दांतों को इसके शरीर में गड़ाना शुरू कर देते हैं और फिर कुछ ही पलों में लॉयंस ग्रुप इस एलिफेंट को मौत के घाट उतार देते हैं। ये वीडियो क्लिप साफ तौर पे बयां करते हैं कि शेर अपनी बेहतरीन हंटिंग स्किल से किसी भी जानवर को अपना भोजन बना सकते हैं, फिर वो चाहे आकार में बड़ा हो या छोटा। अब जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए, यहाँ भी शेर ने अपने शिकार के रूप में इस हाथी को ही चुना है। प्यास से मरा जा रहा ये एलिफेंट अपनी प्यास को बुझाने के लिए इस तालाब का रुख करता है। वहीं पे एक खूंखार शेर अपनी भूख को मिटाने के लिए हाथी पे घात लगाए खड़ा है और देखते ही देखते ये शेर हाथी के पिछले धड़ पे अटैक कर अपने नुकीले व मजबूत दांतों को गड़ाना शुरू कर देता है, जिसके बाद ये हाथी जमीन पे गिर जाता है। वहीं दूसरा साथी शेर भी मौका पे चौका लगाते हुए हाथी पे टूट पड़ता है और अंततः ये चालबाज शिकारी हाथी का काम तमाम कर देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले बैटल ऑफ की तरफ, जो कि यह लड़ाई शेर और विल्डबीस्ट के बीच लड़ी गई है। यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि बड़ी तादाद में विल्डबीस्ट नदी को पार कर खुले मैदान की रुख करती हैं। वहीं सामने एक शेर इनका शिकार करने के फिराक में अपनी हाथ पांव मार रहा है, लेकिन लगता है कि शेर की किस्मत आज वाकई खराब है, जो कि अंततः विल्डबीस्ट पे घात लगाकर बैठ जाता है। हालांकि यह शेर बहुत देर तक बैठा रह जाता है, फिर भी इसके हाथ निराशा ही लगती है। वहीं ठीक इसके पीछे एक शेर अपनी बेहतरीन हंटिंग टैक्टिक्स को दिखाते हुए विल्डबीस्ट पे अटैक कर उसे गिरफ्त में ले लेता है। जरा इस वीडियो क्लिप को एक बार और देखिए, इस शेर का शिकार करने का तरीका कितना शानदार है, जो कि एक ही झपट्टे में विल्डबीस्ट को चारों खाने चित कर अपने लंच का इंतजाम कर देता है। वहीं दूसरा शेर इस मंजर को देखता ही रह जाता है। ऐसे ही एक और वीडियो क्लिप देखिए, जहां पे ये शेर ने इस विल्डबीस्ट को अकेला देख उस पे अटैक कर देती है और अपने नुकीले दांतों को विल्डबीस्ट के गर्दन पे दबाकर उसे मरने पे मजबूर कर देती है। अब जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए, जहां पे ये शेर इस विल्डबीस्ट को दौड़ाते दौड़ाते इस दलदली नुमा कीचड़ में घुसने पे मजबूर कर दिया है, जबकि यह विल्डबीस्ट अपनी सर पे मौत को खड़ी देख शेर से सामना करने का मन बना लेता है और अपनी सींगों से शेर पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन यह शेर अपनी पंजों से बचाव करते हुए विल्डबीस्ट के गर्दन को दबोचकर उसे घुट घुट कर मरने के लिए मजबूर कर देता है। आमतौर पे शेर ज्यादातर शिकार के गर्दन पे ही अटैक करते हैं, जिसके बाद शिकार बड़ी आसानी से उनके गिरफ्त में आ जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले बैटल ऑफ की तरफ। यह वीडियो क्लिप है क्लेजेरिया गेम रिजर्व साउथ अफ्रीका का, जहाँ शेरों का एक ग्रुप इस बीट फीट लंबे जिराफ को अपना निशाना बनाया है। एक बात तो मानना ही पड़ेगा कि शेर वाकई में निडर होते हैं, जो कि अपने से 20 गुना बड़े जानवर को भी मारने की क्षमता रखते हैं। ये वीडियो क्लिप साफ तौर पे बयां करती हैं कि शेर कितने चालबाज व धूर्त शिकारी होते हैं। अब देखिए ना, कैसे ये शेर ने जिराफ की पीठ में अपना मजबूत पंजा व नुकीले दांतों को गड़ाए बैठी है। वहीं साथ ही शेर जिराफ के पैरों को अपना निशाना बनाए हुए हैं, लेकिन खुबियां बताती हैं कि जिराफ अपने आप को बचाने में सक्षम होते हैं और अंततः ये जिराफ अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। अब जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए, यहाँ भी ये शेर ने इस जिराफ को अपना भोजन बनाना चाहती हैं, लेकिन लगता है कि जिराफ की किस्मत आज वाकई मेहरबान है। यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि इन शेरनियों की संख्या 5 है, जो कि इस जिराफ को दौड़ाना शुरू कर देती हैं, लेकिन फिर भी इनके चंगुल से शिकार बच निकलता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कौन सा बैटल ऑफ आपको सबसे रोमांचक लगा, प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि हमारी हर अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो खैर, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।